मेष राशि, शाम तक मन की निराशा खत्म होगी। आज व्यापार में कोई निवेश ना करें, नए काम से फायदा थोड़ा कम होगा। शुभ रंग है सुनहरी। आज ओम मंत्र का कम से कम 27 बार जाप जरूर करें। वृषभ राशि, व्यापार में निवेश बहुत सोचकर ही करना है। शाम तक आपके अपने प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा आज नहीं करना। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आश्रम मंत्र का 27 बार जाप जरूर करना। मिथुन राशि, आज आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। सफलता मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। व्यापार में बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज भगवान गणेश की उपासना करिए, उन्हें दूर्वा अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। मित्रों, बात करते हैं उस अचूक महाउपाय की जो आपको मालामाल बना सकता है। देवी लक्ष्मी को प्रदोष काल में लाल गुलाब के फूल अर्पित करके उनके 108 नामों का जाप करें। यह छोटा सा महाउपाय आपको धन की प्राप्ति जरूर कराएगा। आइए मित्रों, जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशि। कर्क राशि, नौकरी में बदलाव से लाभ होगा। अपने वाहन का स्वप्न पूरा होगा। उधार दिया पैसा मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। आज एक सफेद खिलौना किसी कन्या को दान जरूर करें। सिंह राशि, शाम तक इंटरव्यू की शुभ सूचना जरूर मिलेगी। उधार आज किसी को बिल्कुल ना दीजिएगा। सफलता का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना जरूर खिलाइए। कन्या राशि, अपना काम स्वयं करने की आदत डालें। दूसरों की मदद बिल्कुल ना लें। हाथ पर चोट लगने से बचेंगे। जीवन साथी का सम्मान करेंगे तो दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करिए। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और हर तरीके से सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, बात कर लेते हैं उस अचूक महाउपाय की जो नौकरी, व्यापार और आजीविका की समस्याओं को खत्म कर सकता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान कृष्ण को तुलसी और मिश्री का भोग लगाइए। अपने कार्य पर जाते समय इसका सेवन करिएगा। आपको आजीविका, नौकरी, व्यापार में भरपूर सफलता मिलेगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशि। तुला राशि, नया मकान खरीदने का योग है। संतान की सेहत में सुधार होगा। परिवार में अकारण कलह ना करें। कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज अपनी पत्नी को कोई गुलाबी वस्त्र या वस्तु उपहार में दीजिए। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा का योग टल सकता है। दोपहर तक व्यापार में लाभ होगा। अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर करें। धनुराशि, आज मन का बोझ काफी हल्का होगा। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में सफल होंगे। धन खर्च पहले से बढ़ सकता है तो टेंशन मत लीजिएगा। शुभ रंग होगा गाजरी। माथे पर केसर का तिलक जरूर करें। मित्रों, बारी आ गई है उस अचूक महाउपाय की जो आपकी सेहत अच्छी कर सकता है। ताजी नीम की पत्तियों में शुद्ध गुलाब जल मिलाकर एक लेप तैयार करिए। अपने चेहरे पर लगाइए। सूखने पर ठंडे पानी से धोइए। ऐसा करने से त्वचा के विकार, त्वचा की बीमारियां कहीं ना कहीं कम। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, घर में पारिवारिक कलह से बचें। आज मित्रों की सलाह आपका काम बना देगी। अपने रिश्तों में खटास बिल्कुल ना आने दें। शुभ रंग है नीला। एक नारियल देवी दुर्गा को अर्पित करिए तो रुके हुए कार्य सफल हो जाएंगे। कुंभ
कुंभ राशि, आज धन किसी को उधार मत दीजिए, व्यापार की समस्या पहले से कम होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग आसमानी, आज देवी काली को एक मीठा पान अर्पित करिए, कहीं ना कहीं जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो बिल्कुल शांत। मीन राशि, सुबह के समय बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, पड़ोसियों से संबंध में मधुरता आएगी, मिठास जरूर आएगी। शुभ रंग है आपके लिए पीला, आज नहाने के पानी में एक चम्मच गंगा जल मिलाइए, हर तरीके से अपने आप को आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। मित्रों, बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महा उपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट को खत्म कर सकता है। अपने ईष्ट या कुलगुरु के सामने मिट्टी के दीपक में देसी कपूर जलाइए और उसमें एक चुटकी पीली सरसों डालिए, अपने संकटों को खत्म करने की प्रार्थना जरूर करिएगा। यह छोटा सा उपाय आपको हर दुख परेशानी संकट से बचा लेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि आप दिन की शुरुआत में ही कौन सी बड़ी गलतियां कर देते हैं, वो भी भूलकर। तो अब भूलकर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ज्योतिष गुरु के द्वारा सुझाए गए, बताए गए ये छोटे छोटे महा उपाय आपके दिन को जबरदस्त भी बनाएंगे और आपकी आजीविका और नौकरी में भरपूर वृद्धि भी करेंगे। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष हाजिर होंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।